आज बनाएंगे हम होटल रेस्टोरेंट जैसे मोमोज। बहुत ही आसान रेसिपी आपको मोमोज बनाने की बताने वाली हूँ। इस तरीके से आप मोमोज बनाएंगे तो खाने में भी बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, मम्मी किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 3 कप मैदा लेंगे। इसको हमने अच्छे से छान लिया था। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और थोड़ा सा तेल डाल देंगे। तेल से क्या होगा कि मोमोज सॉफ्ट बनेंगे। सभी चीजों को अच्छे से मैदे के साथ मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। होटल और रेस्टोरेंट में जो डो लगाते हैं वो एकदम टाइट डो लगाते हैं, ताकि जब हम मोमोज की स्टफिंग करें तो एक शेप आते हैं। और ये देखिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर डो लगाकर तैयार करना है। इस तरीके से आप 3 से 4 मिनट के लिए इसको मसलना है कि मैदा अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो इसे इस तरीके से मोमोज का डो लगा कर तैयार करना है। इसके बाद इसको डो को कम से कम 1 घंटे तक ढक्कन रख के रखना है। ढक्कन रखने से अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। अब कुछ सब्जियां काट लेंगे। एक छोटे साइज का पत्ता गोभी लेंगे और 2 गाजर लेंगे। अब मैं पत्ता गोभी को 2 टुकड़ों में काट लूंगी। इसके बाद इसको कद्दूकस कर लूंगी। इसको मोटे वाले होल से कद्दूकस करना है। इसी तरीके से हम गाजर को भी कद्दूकस कर लेंगे। हमने सब्जियों को कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। नमक डालने से ये पानी छोड़ने लग जाएगा। इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो इसको हम निचोड़ लेंगे। नहीं निचोड़ेंगे तो मोमोज फटने लग जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने सब्जी को अच्छी तरीके से निचोड़ लिया है। और यहाँ पर मैंने 100 ग्राम न्यूट्रिला ली है। न्यूट्रिला को आपने सॉफ्ट करने के लिए बॉईल करना है। ये देखिए, मैंने गर्म पानी में न्यूट्रिला को डाल दिया है। 2 से 3 मिनट तक इसको उबलने दीजिए। और इसको 2 से 3 मिनट बॉईल करेंगे तो न्यूट्रिला अच्छे से फूल जाएगी और अच्छी तरीके से सॉफ्ट भी हो जाएगी। तो न्यूट्रिला को मैंने थोड़ी देर बॉईल कर लिया है। अच्छे तरीके से फूल चुके हैं। इसके बाद इनको हम छान लेंगे। छानने के बाद इनको ठंडे पानी में डाल देना है, ताकि अंदर तक अच्छे से ठंडी हो जाएगी। और इसके बाद इसमें जितना भी पानी है इसको निचोड़ कर निकाल लेना है। तो सारा न्यूट्रिला का पानी निचोड़ दिया है और सॉफ्ट हो चुकी है। और इसके बाद हम इसको दरदरा मिक्सी के जार में पीस लेना है। और इसके बाद आपको एक कढ़ाई लेनी है। थोड़ा सा उसमें घी डालना है। यहाँ पर मैंने देसी घी का यूज किया है। आप चाहे तो तेल का भी यूज कर सकते हो। 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दिया है और 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक डाल दिया है। साथ ही 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल दी है तीखे के लिए। इन सभी चीजों को थोड़ी देर भून लेंगे। न्यूट्रिला को घी के साथ भूनेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो ये देखिए, सभी चीजों को थोड़ी देर भून लिया है। गैस की फ्लेम को आपको मीडियम रखना है। फिर इसमें हम ग्राइंड की हुई न्यूट्रिला को डाल देंगे। और न्यूट्रिला को डालने के बाद गैस की फ्लेम को हाई करनी है। हाई फ्लेम में न्यूट्रिला को तब तक भुनना है जब तक इसका मॉइस्चराइजर पूरी तरह खत्म ना हो जाता। तो आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है, जब आप न्यूट्रिला का पेस्ट बनाए तो आपने पानी को अच्छी तरह से निचोड़ लेना है, ताकि उनकी जल्दी से भुनाई कर पाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूट्रिला का कलर चेंज हो चुका है। यहाँ पर 1/2 चम्मच हम नमक डाल देंगे। नमक को अच्छे तरीके से न्यूट्रिला के साथ मिक्स कर लेंगे। जो हमारी स्टफिंग है वो तैयार हो गई है। अगर आप सब्जियों को पकाना चाहते हो तो पका सकते हो, पर आप इसे स्टीम करते हो ना, उस टाइम सब्जियां गल जाती है। मैंने सब्जी को यहाँ पर पकाया नहीं है। इसके बाद इसमें ये न्यूट्रिला डाल देंगे। न्यूट्रिला को ठंडा करके डालना है। और 2 मीडियम साइज के बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। 1 चम्मच सोया सौंफ डाल देंगे और 1 चम्मच विनेगर डाल दिया है। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बार इस तरीके से मोमो बनाकर देखिएगा। किसी को खिलाकर देखिए, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट आएगा। इस तरीके से स्टफिंग बना लेना है आपने। यहाँ पर डो लगाए लगभग 1 घंटा हो चुका है। अब हमने इसके पेड़े बनाने हैं। तो इस तरीके से अच्छे से मसल लीजिए। जो इसका आधा डो है उसको रख देना है और जो आधा डो है उसके पेड़े बनाने हैं। इसको भी आप इस तरीके से रोल कर लीजिए और इस तरीके से छोटे छोटे लोइया बना लेना है। पहले चाकू की सहायता से 1 साइज के से पेड़े काट लेना है। हाथ की सहायता से करेंगे तो कोई छोटे कोई बड़े हो जाएंगे। और इस तरीके से पेड़ों को हाथ से दबा देना है। ज़्यादा गोल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम सूखा मैदा डालकर इनको बेल लेंगे। पेड़ों का साइज देखिए छोटा है, और बेलन की सहायता से इनको जितना पतला बेल सकते हो उतना पतला बेल लेना है। साइडों से एकदम पतला कर दीजिए, ताकि फोल्ड करने में कोई परेशानी नहीं होगी। 5 से 6 पेड़े पहले बेल लीजिए और फिर 5 से 6 मोमोज बना लीजिए कि स्टफिंग कैसी भरनी है। ये देखिए, इस तरीके से एक मोमोज की
रोटी लीजिए। मैंने मीडियम साइज के बना रखे हैं, ना ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं। अब हम इसमें एक चम्मच मसाला डालेंगे। इस तरीके से इसको आपको बंद कर देना है और इस तरीके से आपको इसमें छोटे छोटे फोल्ड करके मोमोज को बंद कर देना है। सभी मोमोज को इस तरीके से भर लेंगे। 20 से 25 मोमोज बना लीजिए, उनको साथ में स्टीम कर लीजिए। ज़्यादा उनको आपने रखना नहीं है, ज़्यादा रखेंगे तो ऊपर से सूखना शुरू हो जाते हैं। अगर ज़्यादा रखना हो तो इनको किसी गीले कपड़े से कवर कर लेंगे। यहाँ पर मैंने मोमो स्टीमर लिया है, इसे हल्का सा घी बटर या तेल लगा लेंगे ताकि मोमोज जो हैं वो इसके साथ चिपके ना, और इसका जो मोमोज बनकर रखेंगे उनको इस तरीके से एक एक करके रख देंगे, ऊपर से कवर कर लें। हमने पानी पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। इसके बाद इनको हमने 15 मिनट तक स्टीम करना है। 15 मिनट में अच्छे से आपके मोमोज पक के तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए, अब हमारे मोमोज बनके पूरी तरह तैयार है। इस तरीके से बनाइए, बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो दोस्तों, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।